स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको पता भाई तेज तो हुई, तुम्हें पता चली गया होगा किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भैया देखो, है क्या कि मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो अपने रूम को स्टूडियो बना रहे होंगे, या फिर मतलब एक छोटा सा स्पेस है ना, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वीडियोज वगैरह शूट करता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल स्टूडियो तो है नहीं भाई, ये मेरा पर्सनल मतलब रूम है, बेडरूम है मेरा, उसी को मैंने एक कॉर्नर ले लिया और इसी पे शूटिंग वूटिंग सब इधर ही चलती है, मतलब कोई अलग से स्टूडियो नहीं है। तो भैया स्टूडियो का क्या सीन होता है नहीं, थोड़ी लाइटनिंग वाइटनिंग होती है तो बढ़िया सा रहता है, मतलब माहौल वाहौल बना रहता है, तो चलो माहौल बनाते हैं। सो हमारे पास पहला जो आइटम है भाई वो है एलईडी म्यूजिक बल्ब। तो मतलब भैया अब बल्ब सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, मतलब म्यूजिक एक वाइब तरह का सेट हो जाएगा रूम में, मतलब समझ रहे हो ना आप भाई, रोशनी तो रोशनी, अब म्यूजिक भी सुन सकते हो आप इसके थ्रू। इसी में बीच में लगा हुआ है 3 वॉट का स्पीकर, आगे मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, इसको रिमोट के थ्रू आप कंट्रोल भी कर सकते हो और म्यूजिक के साथ जो इसके लाइटनिंग है वो सिंक भी होती है, मतलब इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, सबर करो सबर करो। और जो दूसरा हमारे पास है वो है एलईडी का फ्लड लाइट जो कि आता है आरजीबी कलर के साथ। हाँ, इसमें म्यूजिक वगैरह नहीं है भाई, पर एक बहुत ही कमाल की चीज है, अभी आप वीडियो में देखो आपको समझ में आ जाएगा। रिमोट कंट्रोल का इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है, दूर बैठे इसके जो मोड्स है चेंज कर सकते हो अलग अलग, मतलब फ्लैश में, स्टॉर्बिंग में, तो मतलब अलग अलग डिफरेंट मोड्स में आप इसे चेंज भी कर सकते हो, लाइटनिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हो, हर तरह की कलर, मतलब आरजीबी है आपको तो इससे पता चली गया होगा, तो आप इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड्स को मतलब पूरी तरह से सेट कर सकते हो अपने रूम की लाइटनिंग को। सबसे लास्ट में है हमारे पास ये जो कि है छोटा सा प्यारा सा, पर वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये वही वाली चीज है भाई। इसे जलाने के लिए सिर्फ आपको एक यूएसबी यानी चार्जर वगैरह के साथ आप यूज कर लो या फिर अपने लैपटॉप का स्लॉट यूज कर लो। पर इसमें सबसे मजेदार बात क्या है आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो हटाओ, मैं बताता हूँ। इसमें 9 मोड्स है, मतलब 9 मोड्स है दिए गए डिफरेंट लाइटिंग के। इसके पीछे एक छोटा सा स्विच है, उसको क्लिक करने से मोड चेंज होते हैं, वो भी मैं वीडियो में करके दिखाऊंगा। और जो 9th मतलब जो 9वां मोड है इसका, उसमें आपको पता क्या होगा, जो म्यूजिक के साथ इसकी जो लाइटनिंग है वो सिंक होगी, मतलब आप गाने वाने बजा रहे होगे तो उसके साथ इसकी जो लाइटनिंग है वो सिंक होगी। तो मतलब ये भी काफी कूल चीज है, नहीं मतलब अगर ऐसा हुआ भाई, छोटा सा चीज है प्यारा सा, और अगर आप म्यूजिक आसपास सुन रहे हो उसके मतलब हिसाब से कलर जो है चेंज हो रहा है, सिंक हो रहा है, तो मतलब इंटरेस्टिंग है। चलो सबको टेस्ट करते आगे, और आपको पता है यार क्या कहना, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले तीनों को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो भाई तीनों के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलती है, मतलब कि बल्ब वाले के अंदर से एक रिमोट इसमें भी दिया गया, जैसा मैंने बताया था ये रहा हमारा बल्ब। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ देखें तो अच्छी खासी, मतलब सही प्लास्टिक है, थोड़ा बहुत हैवी है, मतलब ठीक ठाक हैवी है, बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं, एक लाइट के हिसाब से तो हैवी है, एलईडी बल्ब के हिसाब से, क्योंकि भाई स्पीकर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा स्पीकर वाला पोर्शन और ये 3 वॉट के स्पीकर है। बाकी चीज़ हम टेस्ट करेंगे, बिल्ड क्वालिटी सही है, इसके साथ हमें रिमोट भी मिल जाता है। रिमोट एक चीज़ में बता दूँ, इसमें भी रिमोट दिया गया और ये फ्लड लाइट में, और दोनों ही रिमोट की क्वालिटी जो है बिल्कुल सेम है, सेम मतलब बैटरी वगैरह सेम डलता है दोनों में, और बटन्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। तो आप देख सकते हो बस नीचे के जो 3 बटन्स है यहाँ पे, वॉल्यूम अप डाउन पॉज प्ले का है इस बल्ब वाले के लिए, और फ्लड लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आरजीबी मोड चेंज कर सकते हो डिफरेंट कलर के हिसाब से, और यहाँ पे आप मोड भी देख सकते हो, चारों में सेम दिए गए, मतलब 4 मोड्स है दोनों में ही सेम दिए गए हैं, फ्लैश, स्ट्रोब, फेड और स्मूथ करके। तो ये सारी चीजें अभी हम आगे टेस्ट कर लेंगे, तो इन दोनों का रिमोट अलग अलग रख देते हैं। और जो भाई लास्ट चीज हमारी वो है ये यूएसबी, और इसमें कुछ नहीं मिलता भाई, और तीनों के ही डब्बे में कोई पेपर वर्क नहीं, मतलब कुछ भी यूजर मैनुअल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ डब्बे में से ऐसे ही प्लास्टिक में, ये भी एक छोटे से प्लास्टिक में आया था इसके अंदर, और बाकी ये सारी चीजें बस ऐसे ही। और इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन दिया गया, सो इसको क्लिक करने से इसके मोड चेंज हो गए, इसे तो कुछ करना भी नहीं है भाई, बस प्लग एंड प्ले है। और इसका जो म्यूजिक वाला मोड है वो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो बस अभी फटाफट से सबको टेस्ट करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा फ्लड लाइट, और इसमें जैसा कि मैंने बताया था ये रिमोट दिया गया, आप लोगों को अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हो। एक चीज इसके रिमोट में ये है कि भाई ये सिर्फ सामने से ही काम करता है, देखो जैसे पीछे से अगर मैं ऑफ का बटन क्लिक करूं तो ये देखो ऑफ नहीं हो रहा, अब अगर मैं इसे सामने ले जाऊं ऐसे तो ये एक बार में ऑफ हो गया और ये एक बार में ऑन हो गया, तो मतलब अंधेरे में भी बढ़िया से काम कर रहा है, पर इसको आपको सामने से रखना होगा, ठीक है। और इसके कुछ मोड्स हैं वो भी आप देख लो, सो एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, ये वाला ब्रीदिंग मोड है, मतलब धीरे धीरे बंद होगी लाइट फिर धीरे धीरे ऑन, वो चीज़ है। और उसके अलावा आप इसमें कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट कलर की, सिर्फ इसी कलर की लाइट जले आपको, तो अगर मैंने इस पर सेलेक्ट किया सिर्फ ब्लू तो ये ब्लू हो जाएगा, अगर मैंने सेलेक्ट किया रेड तो ये रेड हो जाएगा, अगर मैंने सेलेक्ट किया ग्रीन तो ये ग्रीन जैसा हो जाएगा। तो मतलब कि आप डिफरेंट तरह से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, मोड्स वगैरह दिए गए, आपके ब्राइटनेस भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो ये ब्राइटनेस है कम
और ये है सबसे ज्यादा, ठीक है? तो ये कम है, मतलब सॉरी ये वाला कम है और ये वाला सबसे ज्यादा है, तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब मजेदार चीज है। तो ये रहा हमारा यूएसबी वाला गैजेट, इसको मैंने अपने पावर बैंक से अभी कनेक्ट कर रखा। आप इसे किसी भी चीज से, चार्जर फोन के या फिर अपने लैपटॉप के स्लॉट, और पीछे देख सकते हो आपके यहाँ पे एक बटन दिया गया, दिख नहीं रहा होगा पर ठीक है कोई नहीं, ये रहा। और इस बटन के थ्रू आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, तो आप देख लो पहले फटाफट से इसके मोड्स में दिखा दूं। म्यूजिक वाला मोड हम लोग लास्ट में टेस्ट करेंगे। ये रहा दूसरा मोड इसका, ये रहा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मतलब भाई मोड्स में है क्या कि कलर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है? छठा, Battery low. उस स्पीकर की बैटरी लो है। ये रहा सातवा, ये रहा आठवा, और ये रहा हमारा नौवा। और अब देख लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ म्यूजिक वाला मोड इसमें किस तरह से काम करता है। सो ये रहा इसका म्यूजिक मोड, ये देख लो फोन से स्पीकर मेरे कनेक्टेड है, अभी प्ले करके आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल अभी कोई आवाज उसके पास नहीं जा रही, उसके माइक्रोफोन तक आवाज जानी चाहिए बीट पे सिंक करने के लिए। तो ये रहा भाई हमारा तीसरा और सबसे वाहियात प्रोडक्ट जो मेरे को लगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, देखो इसमें एक चीज तो सही है कि जैसे आप इसे होल्डर में जैसे ही आप प्लग करोगे तो इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, ठीक है? एक साउंड आपको आएगी म्यूजिक जैसी, और उसके बाद आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करोगे, ये रीड ले लेगा और तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? रिमोट भी इसकी भाई बढ़िया काम कर रही थी, ये देखो आप, एक क्लिक में ऑफ और एक क्लिक में ऑन। और इसके बाद जो बटन है, जैसे रेड करना हो तो ये ग्रीन, सॉरी ग्रीन था फिर ये रेड, और ऐसे बटन भी चेंज हो जाएगा आपका। मोड्स वगैरह भी बढ़िया काम कर रहे थे, ये वाला स्ट्रॉबिंग वाला जो मोड है इसमें कलर इफेक्ट्स, तो ये सारी चीजें तो भाई बिल्कुल बढ़िया काम कर रही थी। अगर सिर्फ लाइट चाहिए आपको 250-250 रुपए में अपने रूम के लिए, और एक बहुत ज्यादा भाई पहले ही मैं बता दूं 12 वॉट के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम रोशनी, मतलब आप समझ रहे हो ना, वैसी कोई खास रोशनी नहीं है इसकी भाई, मतलब जितने दूर के छोटा सा एरिया कवर कर पा रहा है, बाकी उतने पूरे रूम में कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसे आप नाइट बल्ब आप समझ सकते हो, 0 वॉट 2 वॉट वाला, तो उस टाइप का इसकी जो रोशनी है भाई आप कंपेयर कर सकते हो। और वाहियात मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि म्यूजिक को लेके, अब देखो फोन से ये मेरे कनेक्टेड तो है, ठीक है? अब अगर इससे मैंने गाना प्ले करा तो गाना तो प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साउंड क्वालिटी बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल ही घटिया। अब सुनो इस, आप एक बार सुन लो खुद से। सो देखा भाई, जैसे ही मैं फोन को थोड़े डिस्टेंस पे ले जा रहा हूं इसका गाना अपने आप बंद हो जा रहा है। अब देखो मैं पास ले जाता हूं, सो भाई पास जाने के बाद इसका काम कर रहा है, ठीक है? और आवाज भी भाई कुछ खास नहीं। अगर आप रूम में अकेले हो, बिल्कुल कमरा शांत है, तो आपके कानों तक आवाज समझ में भी आएगा। अगर दो चार लोग बैठे हो और आपस में बात करके आप लोग सोच रहे हो कि म्यूजिक एंजॉय करो, तो उतनी आवाज भी नहीं है भाई, बिल्कुल घटिया स्पीकर है इसका। और देखो जैसे ही मैं फोन को थोड़े दूर पे ले जाता हूं, बिल्कुल तो भैया यही हो रहा है कि आवाज कटने लग रहा है, मतलब फोन को आपको थोड़ा इसके नजदीक और एक स्टेबल जगह पे रखना होगा। फोन आप शेक भी करते हो तो जो, मतलब ब्लूटूथ की क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है।